एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाई की। गाइस, आज मैं लेकर आई हूं वीडियो आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हूं। मैं तो रोज़ ही हेल्प करती हूं, बट आज मैं लेकर आई हूं हेयर फॉल पे, क्योंकि अभी देखिए हेयर फॉल हो रहा है, सीज़न चेंज हुआ है, मॉनसून सीज़न आ गया है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम सबको हो रही है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूं। मेरी वीडियोज़ में मैं हर बार समझाती ही हूं, लेकिन आज मैं हेयर फॉल पे थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूं कि देखिए जो हेयर फॉल जिनके जो बिल्कुल बालों की केयर नहीं कर रहे हैं और उनके हेयर फॉल बहुत टाइम से होता जा रहा है ना, तो वो तो उनकी मतलब उन चीज़ों से हो रहा है कि वो बालों की केयर नहीं कर रहे हैं, डीआईवाईज नहीं कर रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से उनका हेयर फॉल हो रहा है। उनको मैं यही बोलूँगी, इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। मेरी वीडियोज़ बहुत सारी है, जो आपका अच्छा हो वो देखो। काफ़ी आके कमेंट करते हैं, दी आप कितनी सारी वीडियो है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। अरे यार, आपको कैसे समझ नहीं आ रहा, मैं वीडियो में क्लियर बताती हूँ कि आप हेयर फॉल हो रहा है तो ये रेमेडी लगाओ, बाल ड्राई हैं तो ये लगाइए, आपके बालों में बाल नए उगाने हैं तो बाल्डनेस वाली सीरीज़ करिए, है ना। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको सब बताती हूँ, उसमें आपको क्यों समझ नहीं आता है। आप लोग मेरी रेमेडी को रेगुलर यूज़ करिए, जो भी आपको है ना मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने हेयर की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ यूज़ करिए। चलिए, ये तो उनके लिए थी जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है उनको मैंने ये बताया। एंड जो रेगुलर वीडियोज़ देख रहे हैं, जो रेगुलर वीडियो रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, जिनको हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है, जो कि मतलब रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं, डीआईवाई करते हैं, अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनका इतने टाइम से हेयर फॉल नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो सब ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। मतलब डीआईवाई भी कर रहे हैं, खा भी अच्छा रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लाइफस्टाइल भी अच्छी है, उसके बावजूद अभी एकदम से हेयर फॉल क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ये वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बालों की केयर कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, उनके लिए है ये वीडियो और उनका हेयर फॉल है वो अभी हो रहा है, ठीक है। तो इस पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाली हूँ कि जो हेयर फॉल है ना, एक इसका साइकिल होता है, ठीक है। साइकिल क्या होता है कि हेयर फॉल होता है, फिर हेयर ग्रोथ होती है, फिर हेयर फॉल होता है, फिर हेयर ग्रोथ होती है, ये एक पूरा साइकिल है। यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह से हमारे बालों के भी यही चीज़ है, हेयर ग्रोथ हेयर फॉल, ये रेगुलर चलता रहता है, ठीक है। तो ये आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारे पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में जो बाल झड़ना है ना, वो एक नेचुरल चीज़ है। नेचुरली जो झड़ते हैं वो नेचुरली तरीके से झड़ते हैं, मतलब एवरीडे आपके 100 बाल टूट रहे हैं तो इट मीन्स नेचुरल है। वो साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि रोज़ का आपका 100 बाल टूटना एक नेचुरल है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 100 बाल टूटना ज़्यादा हो जाएगा। आपके रोज़ अगर बाल जो झड़ रहे हैं रोज़, वो आपके बाल हैं वो कम मतलब 30 या 40 बाल आपके झड़ने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, मेरी नज़र में मैं ऐसा बोलूँगी। लेकिन 100 बाल भी टूटता है तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो। अब ये तो चीज़ एक बेसिक थी, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बाल आपके एकदम से झड़ना स्टार्ट हो गए ना, कभी नहीं झड़ रहे थे लेकिन अब एकदम से झड़ रहे हैं सब कुछ सही होते हुए, तो वहाँ पर मैं आपको आज बताऊँगी कि हमारा जो बालों का जो हेयर ग्रोथ का जो प्रोसेस है ना, उसके तीन फेज़ होते हैं, ठीक है, तीन फेज़ होते हैं, जिसमें एक एनाजन फेज़ होता है, एक कैटाजन होता है और एक टीलोजन फेज़ होता है। ये तीन फेज़ होते हैं, इस तीनों फेज़ में कैसे बाल ग्रो होते हैं, कैसे हेयर फॉल होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। पहला जो फेज़ होता है एनाजन फेज़, वो 2 साल से 8 साल तक वो फेज़ चलता है, 2 से 8 ईयर्स तक। उसके अंदर क्या होता है, बालों की जो ग्रोथ है ना वो होती है, ओके, आपके बाल हैं वो ग्रो होते हैं उसके अंदर। एंड जो सेकंड फेज़ होता है ना गाइस, सेकंड फेज़, उसके अंदर क्या होता है, कैटाजन फेज़, उसके अंदर आपका जो हेयर है ना वो कुछ टाइम के लिए ग्रोथ है ना वो रुक जाती है, उसमें ग्रोथ आपके बाल बढ़ते ही नहीं है, वो एक फ़ेज़ होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए बाल बढ़ते ही नहीं है, ये नेचुरली होता है और उसमें जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, कितना भी टाइम हो सकता है, ठीक है। एंड जो लास्ट फेज़ है जिसे टीलोजन फेज़ कहते हैं, वो 2-4 महीने तक ही रहता है, ठीक है, 2 या 4 मंथ तक आपका वो फेज़ चलता है। उसमें क्या होता है, आपके न्यू हेयर्स ग्रो होते हैं। न्यू हेयर्स ग्रो कब होंगे, जब आपके बाल हैं वो झड़ेंगे, जब बाल झड़ेंगे तभी तो नए बाल निकलेंगे ना,
तो अभी आप लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके बाल अचानक से झड़ना स्टार्ट हो गए, तो आप टेंशन मत करो। आप ये मत सोचो कि यार ये एकदम क्यों झड़ रहे हैं, पहले तो नहीं झड़ रहे थे, अब क्यों। हो सकता है ये टिलोजन फेज चल रहा हो आपकी लाइफ में, है ना। तो उसमें आपके जब बाल झड़ेंगे, जिस मतलब मैं ऐसे अपने लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, जैसे हमारी स्कैल्प में एक एक बाल निकलता है ना, तो एक एक छेद होता है ना, एक एक छेद में से बाल बाहर आता है। तो उस छेद में से जब बाल बाहर आता है और झड़ते हैं, तो वो वहीं से बाल झड़ के टूट निकल जाते हैं। तो वो छेद में से वापस नया बाल कब आएगा, वो पीछे पीछे देखो नया बाल आ रहा होता है और आगे जो बाल होता है ना वो ऊपर ऊपर आ रहा होता है। तो ये जब बाल ऊपर ऊपर पूरा बाहर आता है ना, और फिर ये झड़ जाता है, फिर ये नीचे गिर जाता है बाल, तो ये नया बाल आ रहा होता है, तब वो पूरा पुराना बाल है ना वो गिर जाता है ना। तो ये वाला एक पूरा एक प्रोसीजर है। तो आपके जो बाल झड़ रहे हैं ना, इसका मतलब समझ लीजिए कि नया बाल वहाँ से उग रहा है, तभी तो वो उसको धक्का देता है और वो बाल गिरता है और फिर नया बाल आता है। ये मैं इसलिए वीडियो मुझे बनानी पड़ी क्योंकि मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है वरिषा रहमान, उन्होंने मुझे कल ही कमेंट किया था कि दी मैं तो सब कुछ लगा रही हूँ, मेरे बाल मतलब वो मुझे पता है वो बहुत टाइम से मेरी रेमेडी यूज़ करती हैं एंड उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उनका डाइट भी सब सही चल रहा है एंड वो मुझे काफ़ी फीडबैक्स भी दिए हैं, तो मुझे पता है कि वो अपने बालों की अच्छे से केयर कर रही हैं। लेकिन अभी कल ही कमेंट आया कि दी मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर मेरे बाल एकदम से क्यों झड़ना स्टार्ट हो गए। तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी उनके लिए, क्योंकि काफ़ी और भी ऐसे लोग होंगे ना जिनके साथ ये हो रहा होगा। तो इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ वरिषा जी कि ये आपके जो है ना, हो सकता है आपके टिलोजन फेस चल रही हो, जिसमें देखिए जो बाल झड़ेगा ना तो फिर नया बाल उगेगा, जो बाल निकल गए गिर गए उसमें से वापस नए बाल ग्रो ज़रूर होंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये एक नेचुरली तो है, मतलब नेचुरली ये हो रहा है ना, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि अच्छी डाइट लेनी है, अच्छे से बालों की केयर करनी है, जो हम करते जा रहे थे वो सब करना है हमें, ठीक है। तो ये एक नेचुरली है, तो हो सकता है ये फेस वो चल रहा हो थर्ड फेस, तो इसके बाद में फिर नया वो वाला फेस चेंज हो जाएगा, फिर वापस बालों की ग्रोथ वाला फेस चलेगा, है ना। तो ये एक है ना सर्किल है, ये सर्किल कंटिन्यू चलता रहता है। तो आई होप मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की होगी एंड आप लोग इसलिए जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रही है वो टेंशन नहीं करेगा, ठीक है। एंड जिनको हमेशा हेयर फॉल होता ही रहता है, उनकी लाइफस्टाइल ख़राब है, प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, डीआईवाई सारी करिए, साथ में अच्छा डाइट लीजिए। डाइट पर एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी है, वो वीडियो आपको इस वीडियो के बाद में मिलेगी, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उस पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हेयर ग्रोथ के लिए क्या क्या खाना है और जो वाइट बाल हो रहे हैं ना उसके लिए क्या खाना है, बाल जो झड़ रहे हैं उसके लिए क्या खाना है, उसे एक ही वीडियो में मैंने सब बता दिया। वो वीडियो बड़ी है लेकिन जिसको हेयर फॉल हो रहा है वो ज़रूर देखेगा उस वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा आपके काम की है, ठीक है। इस वीडियो के बाद में मैं डालूंगी उसको, आप लोग देख लेना। तो आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी एंड इसलिए आप लोगों को बस अब ये ध्यान रखना है कि अपने बालों की केयर करनी है। एंड एक वीडियो और मैं बनाऊंगी जिसमें थोड़ा और डीपली मुझे समझाना है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है एंड बाकी सब लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। तो अपना ध्यान रखिए एंड ज़्यादा टेंशन मत करिए, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वापस बाल ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो जो बाल झड़ के गिरते हैं ना उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला, मतलब अंदर से। मैंने वो एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत अच्छे से समझाया, अगर आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आपका माइंड में है ना बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट में भी उसका फोल्डर बना दिया है, हेयर ग्रोथ प्रोसेस का नाम से है वो फोल्डर, उसमें वो वीडियो है, तो ज़रूर देख लेना उसको, ठीक है, कि हेयर ग्रोथ का प्रोसीजर क्या होता है वो उसके अंदर आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ओके। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल को आप लोग बस वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार प्लीज़ ऐसी गलती मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो मिलती है जो पूरे यूट्यूब पे नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एंड मेरी हर एक रेमेडी यूनिक है मेरे चैनल पर, आप लोग जो देखते हो ना मेरी रेमेडीज़ वो आपको शायद ही किसी यूट्यूब के पर वो वीडियोज़ मिलती होंगी, क्योंकि वो मेरी खुद की क्रिएटिविटी होती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल में प्ले लिस्ट में ज़रूर जाकर देखिए, मैंने हर रेमेडी का एक सीरीज़ बनाया है एंड हर रेमेडी एक यूनिक है और 100% इफेक्टिव है। आप मेरी कोई भी रेमेडी उठाकर और आप करने स्टार्ट कर दो, आपको एक ही बार में उसके रिजल्ट पता चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास में जो बेल है उसे क्लिक करना, ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी वीडियो को आप मिस
नहीं करेंगे, ठीक है। एंड लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद आई है तो, और सबके साथ में शेयर करिए। देखिए सब लोग परेशान हैं अपनी हेयर की प्रॉब्लम को लेकर, तो मैं नहीं चाहती कि यार किसी के भी, मतलब मेरा चैनल उससे छुपा रहे, क्योंकि मैं हेयर की इतनी अच्छी अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सबको इतने फ़ायदे हो रहे हैं। मेरी हर वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट पढ़ सकते हैं, टोटली फीडबैक के ही कमेंट होते हैं, एंड कम्युनिटी में पोस्ट करती रहती हूँ फीडबैक्स, है ना। तो आप लोगों को प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए प्लीज़, देखने के बाद में कम से कम हर एक जाना है ना 10-10 लोगों को ही शेयर कर दो, तो भी देखिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे एंड उनकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, हेल्दी डाइट लेते रहना और DIYs भी करते रहना मेरी साथ साथ में, ठीक है। चलिए बाय बाय।